क्षण कन्हैया को याद करती हैं, एक ही बात कहती हैं सारी गोपियां, एक ही बात कहती, चले आओ चले आओ तुम्हें आंसू हमारे याद करते हैं, चले आओ तुम्हें आंसू हमारे याद करते हैं, चले आओ तुम्हें आंसू हमारे याद करते हैं, चले आओ तुम्हारे प्यार में प्यारे, तुम्हारे प्यार में प्यारे कहा दिन रात करते, तुम्हारे प्यार में प्यारे कहा दिन रात करते, thank you.
ज्वाल में हम यों जला दिन रात करते जब से कन्हैया गया है सारा ब्रजमंडल इसी तरह तड़प रहा है, सब तड़प रहे। यशोदा मैया बैठी हुई कन्हैया को याद करती हुई कहती है, मैं सुबह उठती थी कन्हैया को नहलाती थी धुलाती थी वस्त्र पहनाती थी काजल लगाती थी माखन मिश्री का भोग लगाती थी। अब कौन मेरे प्यारे को किसने नहलाया होगा, किसने वस्त्र पहनाए होंगे, किसने भोग लगाया होगा, कौन उसे मनाता होगा, कौन मनाता होगा, कोई नहीं मनाता। याद करते करते मैया की आंखों में आंसू आने लगे। नंद बाबा से कहती हैं, बाबा कन्हैया मेरा तुम्हारी वजह से चला गया, तुम्हारी वजह से मेरा कन्हैया चला गया। अरे तुम रोज उसे वन में गायों के साथ भेजते थे और वो सबसे छोटा होता था, सारे ग्वाल बाल उसी से घिरवाते थे गायों को, थक जाता था, शाम को इतना थका हुआ आता था, बहुत परेशान हो गया था मेरा कन्हैया, शायद नंद बाबा वो इसीलिए हमें छोड़कर चला गया। नंद बाबा ने कहा, यशोदा अरे कन्हैया तो ये कहता था कि हमारा तो जन्म ही गायों के लिए हुआ है, हमारा तो जन्म ही गायों की सेवा के लिए हुआ है, वो तो गायों से बहुत प्रेम करता है। कन्हैया जिस दिन से मैया यशोदा जिस दिन से कन्हैया गया है यशोदा उस दिन से गायों ने चरना छोड़ दिया है। अरे कन्हैया तू हमारे लिए नहीं अपनी गायों के लिए ही एक बार तू आ जा, एक बार आ जा प्यारे। ऐसा करके याद कर रहे हैं नंद बाबा यशोदा मैया, अश्रु बहा रहे हैं। इधर जब से कन्हैया गया है आने की कह गया था तो रोज प्रतिदिन ग्वाल बाल जाकर के मार्ग में बैठ जाते हैं, पूरे दिन कन्हैया की बाट निहारते हैं और जब शाम को नहीं आता है तो निराश होकर के उदास होकर के लौट आते हैं। आज भी सारे ग्वाल बाल मार्ग में कन्हैया की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे और तब तक सबको एक रथ दिखाई पड़ा। जैसे ही रथ देखा और उस पर पीतांबर ओढ़े वैजंती माला पहने सबको ये लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। अरे सब चिल्ला पड़े, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, सारे के सारे कन्हैया के लिए भाग खड़े हुए पूरी तरह से। और जैसे ही पास पहुंचे बोले ये मेरा कन्हैया नहीं हो सकता, मेरा कन्हैया नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मेरा कन्हैया होता तो जितनी तेज हम उसके लिए दौड़े थे कन्हैया रथ से कूद पड़ता और उतनी ही तेज दौड़कर हमें गले से लगा लेता, ये कन्हैया नहीं हो सकता और कोई हो।
उद्धव जी ने रथ से कहा, अरे ग्वाल वालों, हम तुम्हारे मित्र कृष्ण का संदेश लेकर के आए हुए हैं, हम उनके सखा उद्धव हैं। सारे ग्वालवाल उद्धव जी को लेकर के नंद बाबा के यहां पहुंचाते हैं। नंद जी ने उद्धव जी का आदर सत्कार किया, बैठाला और पूछा नंद जी ने कि उद्धव जी क्या कन्हैया अपि स्मरति नः कृष्ण मातरम सुहृदा सखीन गोपान ब्रजम च आत्मनाथम गायो वृंदावनम गिरिम। उद्धव जी क्या कन्हैया वृंदावन को याद करता है, गायों को याद करता है, बछड़ों को याद करता है, गोपियों को याद करता है, ग्वाल वालों को याद करता है और उस पर्वत को याद करता है जिसको उसने अपने हाथ से उठाया था? क्या हमारे ब्रजवासियों को कन्हैया याद करता है, अपनी मैया को याद करता है? कन्हैया जिसने जब से कन्हैया गया है आज तक एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है। नंद जी कहते हैं, उद्धव जी कन्हैया हमसे एक क्षण भी अलग नहीं है, कभी हमें गौशाला में दिखाई देता है, कभी पालने में दिखाई देता है, कभी कदम के वृक्ष पर दिखाई देता है, कभी गोद में बैठा हुआ दिखाई देता है। कन्हैया एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं होता है उद्धव जी। और जब ये बात सुनी उद्धव जी ने तो उद्धव जी के आश्रय का ठिकाना नहीं रहा। अरे जिसको हर जगह कन्हैया दिखाई देता हो उसको हम कौन से ज्ञान का उपदेश दें, कौन से ज्ञान का उपदेश दें? उद्धव जी ज्ञान की जो पोटली लेके आए थे वो धीरे धीरे खुलने लगी। अरे जिन ब्रजवासियों को कण कण में हर जगह कन्हैया का दर्शन होता है उसको हम क्या ज्ञान कहें, क्या ज्ञान कहें? लगता है हम कोरे कागजी ज्ञानी रह गए हैं, हमें आत्म अनुभव नहीं हुआ है, हम तो कागजी ज्ञानी हैं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। वास्तव में तो सच्चे ज्ञानी तो ब्रजवासी हैं जिन्हें हर जगह परमात्मा के दर्शन होते हैं, हर जगह कन्हैया के दर्शन होते हैं। ध्यान रखना, ये किताब का ज्ञान काम नहीं आता है, आत्मज्ञान ही काम आता है। आत्मबोध जब तक नहीं होगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। आत्मैक बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्धयति ब्रह्म सतांतरे अपि। सौ ब्रह्माओं तक जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक सौ ब्रह्माओं के जन्म तक मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये तो किताबी जो कुछ भी है ये जानकारी हो सकती है लेकिन ये ज्ञान नहीं हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता, ये तो जानकारी हो सकती है। नॉलेज, ज्ञान और जानकारी में देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जानकारी का मतलब नॉलेज, अलग शब्द है उसका, और ज्ञान का मतलब विजडम, आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा ज्ञान नहीं होगा, और जब तक परमात्मा ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी हो वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, योग योग ज्ञान ज्ञानो, जहान राम प्रेम परिधानो, जहान राम प्रेम परिधानो, जहान राम प्रेम परिधानो। वो योग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसमें प्रभु प्रेम नहीं है, जिसमें परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है, परमात्मा का जिसे बोध नहीं है वो अज्ञान है प्यारे, वो तो जानकारी मात्र है। एक ऐसे ही व्यक्ति था, हमारा व्यक्ति का एक लड़का था,
तो पढ़ रहा था, तो हिंदी के गुरुजी ने उसे बताया, बेटा जिस किसी शब्द में सू लग जाता है वो कैसा हो जाता है, बोलो कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सुंदर सुस्वागतम स्वरूप। तो बोला हिंदी के टीचर ने, बेटा जिसमें सू लग जाता है जिस शब्द में वो कैसा हो जाता है, अच्छा, और जिसमें कू लग जाता है वो खराब, कुरूप, कुसंग, कुरीत, कुकृत्य। तो जिसमें कू लग जाए वो खराब और जिसमें सू लग जाए वो अच्छा। लड़के ने इतनी बात याद कर ली। लड़का बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसका विवाह हो गया। विवाह हो गया तो पहली बार ससुराल गया, सुंदर अटैची लेकर के, सब व्यवस्थित व्यवस्था करके ससुराल पहुंचा। तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो साली सालियां भागी जीजा जी को लेने के लिए। आगे सासू, अरे कुंवर साहब आ गए, अरे कुंवर साहब आ गए, अरे कुंवर जी आ गए, अरे कुंवर जी आ गए। और जैसे ही उसने सुना कि कुंवर जी, बोले हम पहली बार ससुराल आए और हमारा इतना बड़ा अपमान, हमसे कुंवर कहा जा रहा है, हमसे कुंवर कहा जा रहा है। तो सास ने कहा, बेटा हमारे यहाँ दामाद को कुंवर कहते हैं, इसलिए हम सब लोग कहें नहीं। बोले खबरदार, किसी ने हमसे कुंवर कहा, हमारा इतना बड़ा अपमान, हम पहली बार ससुराल आए, कोई हमसे आज से कुंवर नहीं कहेगा, सब लोग आज से, सब लोग हमसे आज से सुअर कहेंगे, सुअर, कोई कुंवर नहीं कह सकता, कोई कुंवर नहीं कह रहा, क्यों, गुरु जी ने बताया है। प्यारे, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। किताबी ज्ञान काम नहीं करता। उद्धव जी का ज्ञान की जो पोटली बांध के लाए थे वो कहां बह गई, कोई पता नहीं कहां चली गई। तब तक गोपियां आ गई, क्योंकि गोपियों का नियम था कि यशोदा मैया के घर जरूर आती थी। कन्हैया चला गया, फिर भी गोपियों ने यशोदा मैया के घर आना नहीं छोड़ा था, प्रतिदिन आती थी और तभी जाकर के कुछ कार्य करती थी। आज भी सारी गोपियां जैसे ही घर आई तो देखा कोई आया हुआ है, मेरे कन्हैया की तरह पीतांबर पहने, बैजंती माला डाले। उद्धव जी ने कहा, गोपियों मैं तुम्हारे प्रिय कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं, तुम उन्हें भूल जाओ। भूल जाए, हां उन्हें भूल जाओ। गोपियों ने कहा, हम भूल तो जाएंगे, हम भूल जाएंगे, लेकिन भूला किसे जाता है, बोलो उद्धव जी ये बताओ, किसे भुलाया जा सकता है। भुलाया उसे जा सकता है जो तुम्हारे मन में हो, बोलो उसे ही तो भुलाया जा सकता है। उद्धव जी उसे भुलाया जा सकता है जो तुम्हारे मन में हो, उसे ही तो भूल सकते हैं हम, उसे ही भूल सकते हैं जो हमारे मन में हो। उद्धव जी एक बात बताओ, जो हमारे मन में हो उसे तो हम भूल सकते हैं, लेकिन हमारा ही मन जिसमें बस गया हो उसे कैसे भुलाया जा सकता है। उद्धव जी इसकी युक्ति हमें बता दो तो हम जाने, इसका कोई उपाय हो तो बताओ। उद्धव जी ने सोचा, ये हो क्या रहा, हो क्या रहा, उद्धव जी तो चक्कर में पड़ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। और गोपियों ने कहा, कन्हैया उद्धव जी, और जिस कन्हैया के भूलने की और अलग होने की और जाने की बात कर रहे हो, उद्धव जी वो एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं है। अभी अभी मुझे, मैंने उसे पनघट पर देखा, मैं जब जल भरने गई थी तो घड़ा मेरे कन्हैया ने ही उठा करके मेरे सर पर रखा था। और अब तो उद्धव जी और चकित। दूसरी बोल पड़ी, अरे उद्धव जी अभी अभी की बात है, मैं अभी जल भरने गई थी, मेरा पुत्र भी साथ में था, तो मेरा पुत्र
कुएं में गिर गया तो कन्हैया ने अभी अभी मेरे पुत्र को निकाल करके मुझे दिया। कोई बोली उद्धव जी अभी अभी कन्हैया कदम के वृक्ष पर बैठा हुआ सुंदर मुरली बजा रहा था। ऐसी जब बातें सुनी तो उद्धव जी का ज्ञान कहां चला गया उस प्रेम के प्रवाह में। उद्धव जी मूक हो गए। गोपियां कहती हैं उद्धव जी अरे मन तो एक ही होता है ना। हाँ उद्धव जी हमारे पास तो हमारा मन नहीं है। उद्धव मन नहीं हाथ हमारे। हमारा मन तो हमारे पास नहीं है क्योंकि रथ चढ़ाई हरि संग ले गए मथुरा जब ही सिधारे। हाँ उद्धव जी अगर तुम्हारे पास हमारा मन हो और हमें दे सकते हो तो फिर हम जरूर कुछ उपाय करेंगे भूलने का। लेकिन उद्धव मन तो एक ही है वो भी कन्हैया ले गया है बताओ अब क्या करें। गोपियों की ऐसी स्थिति को देखकर उद्धव जी जो ज्ञान की पोटली लाए थे वो ज्ञान कहाँ चला गया कहाँ खो गया कुछ पता नहीं लगा। अब सारी गोपियां उद्धव जी को मिलकर के राधा जी के पास ले जाती हैं और जैसी राधा जी को देखा उद्धव जी ने राधा जी को प्रणाम किया। उद्धव जी ने उद्धव जी देख रहे हैं राधा जी परम शोभायमान लग रही हैं। नव वर्ष की निर्दोष दिव्य मुख पर तेज प्रेम की मूर्ति जिनका शरीर कृष्ण के विरह में सूख कर कांटा हो गया है। अति व्यथित केश खुले ऊंट सूख गए चंद्रमा जैसा मन शुष्क हो गया था और मुख से दर्द भरी कराह निकल रही थी। उद्धव जी ने राधा को देखकर प्रणाम किया और राधा जी को उद्धव जी देखते ही रह गए। था सूख कर कांटा हुआ तन बिकल मन बेहाल था थे बाल बिखरे विधु बदन मुरझा गया ये हाल था। मुख से निकलती आह थी मुख से निकलती आह थी आंख आंसू से भरी सब व्यसन सब बसन अस्तव व्यस्त थे मानो खड़ी दुख बल्लरी सब बसन अस्त व्यस्त थे मानो खड़ी दुख बल्लरी। साक्षात दुख की मूर्ति दिखाई पड़ रही थी राधा। राधा को देख करके उद्धव जी मौन हो गए मूक खड़े रहे। संभले तो बोले राधा जी मैं आपके प्रिय कृष्ण का संदेश लेकर के आपके पास आया हूं। राधा जी ने कहा उद्धव जी तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो। उद्धव जी ने कहा ये क्या हो रहा है। राधा जी ने कहा उद्धव जी तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो मेरा कृष्ण तो मुझसे एक पल भी अलग है ही नहीं तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो ये हमें बताओ। अब तो उद्धव जी चक्कर में पड़ गए। अरे जिससे एक पल भी कन्हैया अलग नहीं है उसको हम क्या संदेश दें क्या ज्ञान दें किस कृष्ण को बताएं। उद्धव जी मेरे कन्हैया को ज्ञान से नहीं ज्ञान के अभिमान से नहीं प्रेम के परिधान से प्राप्त किया जा सकता है और कोई दूसरा मेरे कन्हैया को प्राप्त करने का उपाय नहीं है। उद्धव जी इतने में एक भ्रमर आ जाता है और राधा जी के ऊपर वो भौंरा मरदाने लगता है तो राधा जी कहती हैं हे भौंरा तू यहां से भाग जा मुझे किसी काले पर विश्वास नहीं रहा अब
हे भ्रमर, मैंने सब कालों को अजमा के देख लिया, सब धोखेबाज निकले। उधो सब कारे अजमाए, उधो सब कारे अजमाए, उधो सब कारे के सुत तागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। कोयल के सुत तागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। कोयल के सुत तागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। कोयल के सुत तागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। बड़े भये तब उड़न लागे, बड़े भये तब उड़न लागे। कुल अपने कहु धाए, उधो सब कारे अजमाए, उधो सब कारे रंग भमरवा डोले, देख कली मुस्काए। काले रंग भमरवा डोले, देख कली मुस्काए। जब वो खिल काले रंग भमरवा डोले, देख कली मुस्काए। काले रंग भवरवा डोले, देख कली मुस्काए। जब वो खिल कर गिरे भूमि पर, जब वो खिल कर गिरे भूमि पर, फिर पीछे ना आए। उधो सब कारे सर्प पिटारी पाले, काले सर्प पिटारी पाले। हंस हंस दूध पिलाए, काले सर्प पिटारी पाले, हंस हंस दूध पिलाए। काले सर्प पिटारी पाले, हंस हंस दूध पिलाए। काले सर्प पिटारी वाले, हंस हंस दूध पिलाए। जब सुधि आई अपने कुलन की, जब सुधि आए, जब सुधि आई अपने कुलन की, अंगुली में दस खाए। उधो सब कारे अजमाए, उधो सब कारे अजमाए।
प्यारे की प्रतीति न करियो, कार्य की प्रतीति न करियो, कार्य जहर भराए, कार्य की प्रतीति न करियो, कार्य जहर भराए, कार्य की प्रतीति न करियो, कार्य जहर भराए, कार्य की प्रतीति न करियो, कार्य जहर भराए। सुर कहे कार्य की महिमा, सुर कहे कार्य की महिमा, कार्य से काल डराए, उदो सब कार्य अजमाए, उदो सब कार्य अजमाए, उदो सब कार्य अजमाए, उदो सब कार्य अजमाए, उदो सब कार्य। जय जय श्री राधे। उद्धव जी ने राधा जी को फिर प्रणाम किया और कहा, राधा हमारी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से जड़ हो गई थी, अब मेरी ज्ञान की ये अभिमान की गठरी इस प्रेम की धारा में कहां बह गई, अब मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। राधा जी ने बांसुरी बजाई और जैसे ही बांसुरी बजाई सारी गोपियां इकट्ठी हो गईं, सब कन्हैया का संकीर्तन करते करते सब कृष्णमय हो गईं। और जब ये हाल देखा उद्धव जी ने तो उद्धव जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे मैं तो कोरा ज्ञानी रह गया। उद्धव जी आए थे गुरु बनने और बन गए शिष्य, गुरु बनने आए थे शिष्य बन गए। उद्धव जी का ज्ञान निर्मूल हो गया। उद्धव जी आए तो थे चार दिन के लिए और व्यतीत हो गए छह महीने। छह महीने उद्धव जी को कुछ पता नहीं लगा। एक दिन राधा जी ने कहा, उद्धव जी एक मैं प्रसंग बताती हूं। एक बार कन्हैया अपने ग्वाल वालों के संग खेल रहा था तो कन्हैया भागता हुआ आया, आकर के मेरे आंचल में छिप गया और कहा, राधा मुझे जल्दी से छिपा लो, नहीं तो मधुमंगल मुझे घोड़ा बनाएगा, श्रीदामा मुझे घोड़ा बनाएगा। मैंने कन्हैया को अपने आंचल में छुपा लिया। उद्धव जी कन्हैया तो चला गया लेकिन मुझे आज भी लग रहा है कि मेरा कन्हैया मेरे आंचल में छुपा हुआ। ऐसे कहते कहते राधा की आंखों में आंसू निकलने लगे, आंसुओं की धार बहने लगी। जब राधा रोने लगी सारी गोपियां रोने लगी, सारी गोपियां रोने लगी, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब अश्रु निकलने लगे। और जब ये दशा देखी उद्धव जी ने, उद्धव जी तो प्रेम में पागल हो गए, पागल। राधा जी ने कहा, उद्धव जी ये प्रेम की बात है, ये इसे आप नहीं समझ सकते। उद्धव ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस देखे होते हैं सौदे, यहां सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहां सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात।
जहाँ दम दम पे होती है पूजा, जहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं।